पता है सीक्वेंस क्या होती है, किसी को ये नहीं पता सीरीज क्या होती है। कोई कह रहा मैं सीक्वेंस में बैठा हूँ सर, कोई कह रहा मैं सीरीज में बैठा हूँ, है ना, नहीं समझा रहा। ठीक है, सीक्वेंस बताए क्या होता है, तो बता सकते हैं आप में से कोई आइडिया, किसी को हल्का फुल्का आइडिया लगा सकता है कोई? यस एनीबडी। सीक्वेंस फंक्शन क्या होता है, पहले तो फंक्शन बताओ यार, सीक्वेंस फिर बताऊंगा थोड़ा इसको। हाँ जी, कोई एनीबडी फंक्शन क्या होता है, चलो फंक्शन बताओ पढ़ के। एक मिनट, नो नो, हाँ जी बताइए। कभी भी कुछ हुआ नहीं था, कोई नहीं। अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस की। किसकी बात करेंगे? सीक्वेंस क्या होता है, मैंने अभी बोला फंक्शन होता है, क्या होता है? सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन। मैं इसको 10th क्लास की डेफिनेशन भी बता सकता था, 11th क्लास की डेफिनेशन, इजी 11th में जब आप जाओगे तो थोड़ी अच्छी डेफिनेशन बन जाती है। मैं वो पैटर्न वाली डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन होता है। हूज डोमेन, डोमेन क्या होता है, पहले तो डोमेन ही नहीं पता होगा कहीं होगा। एक्स की वैल्यू, डोमेन इज अ सेट n of natural numbers, set n of natural numbers, set n of natural numbers, ये किसका सेट है बेटे? natural numbers का। since the domain for every sequence is the set n of natural number, therefore sequence is represented by its range। अब मैंने क्या बोला, since the domain for every sequence is a set, is the set n of natural numbers, n of natural numbers, therefore a sequence is represented by its range। तो sequence को किससे represent करते हैं, उसकी range से। range क्या होती है, y की value, पता ही नहीं? ये तो पता है कि नहीं? represented by its range। अभी समझ आ जाएगा, सब समझ आएगा, don't worry। मैंने language थोड़ी lengthy लिखी है, कि लोग डर गए होंगे यार ये क्या लिख दिया सर ने, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, मान लो एक फंक्शन है, उसके अंदर जो ये यहाँ पे होता है वो होता है डोमेन। उसके फंक्शन के अंदर कैसे नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर आएंगे, गिव्स यू, ये जो देगा आपको वो क्या होगी, रेंज होगी। क्या होगी, रेंज होगी। नहीं समझा रहा भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? देन अगर मान लो किसी ने बोला एफ एन जो है वो टी एन के बराबर है, किसके बराबर है, टी एन के बराबर। एन किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स। तो एन की जगह पे वन पुट कर दो तो एट टी वन आ जाएगा, एन की जगह पे टू पुट कर दो तो टी टू आ जाएगा, एन की जगह थ्री पुट कर दो तो थ्री। लेकिन एन की जगह जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एन कहां से स्टार्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मैंने इसलिए बोला एफ जीरो नहीं निकाल सकते आप, टी जीरो कोई टर्म नहीं होता, टी वन होता है फर्स्ट टर्म, टी टू होता है, टी थ्री होता है, टी जीरो नहीं होता। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यहां तक किसी को डाउट है? एफ फोर भी निकाल सकते हो, क्या होगा, टी फोर होगा। बेटे डाउट है किसी को? ये तो हमने बात की किसकी, सीक्वेंस, किसकी बात की, सीक्वेंस। अरे भाई ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट वाला है तो पूछ सकता है, अभी तक कोई डाउट है सीक्वेंस में? अगर किसी को डाउट है, पॉज पॉज करो। सीक्वेंस में किसी को, रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस क्या है, ए सीक्वेंस हूज रेंज इज, अ सीक्वेंस हूज रेंज इज ए, हूज रेंज इज ए subset of R, real numbers is a subset of R, is called real sequence। उसका नाम कैसा है, real sequence है। अगर उसका subset कैसा है, real number। उसका subset कैसा है भाई, real number। A sequence whose range is a subset of R is called real sequence। उसको real sequence बोलेंगे, यानी कि उसका जो subset होगा, यानी कि एक sequence जिसकी range होगी, range कहां तक जाएगा वो, इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी कि किसका सबसेट है, आर। आर क्या है, रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर तक ही जाएगा। यानी कि ऐसे कह सकते हो 2, 5, 8, 11 ये आपकी सीक्वेंस है या नहीं है? यस बिल्कुल सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि T1, T2, T3 पॉइंट क्लियर है, और कहां तक जा रही है, ठीक है। और ये क्या है, 4, 1, -2, -5 ये भी क्या है आपकी सीक्वेंस है, 3, -9, 27, -81 ये भी क्या है, सीक्वेंस है। या तो किसी को डाउट है जल्दी बताओ, बताओ भाई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के कुछ टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे, यानी कि कितने नंबर्स हैं उस बेसिस पे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। बेटे मैं फिर से बता रहा हूं, यहां कोई पैटर्न नहीं बन रहा अभी तक, मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें कोई पैटर्न बनेगा,
कि कुछ ऐड होके बनेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होके बनेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैंने सिर्फ आपको क्या बोला है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन। जैसे एफ एन इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, फंक्शन। जिसका जो डोमेन है वो कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल। तो एफ वन क्या आएगा, वन का स्क्वायर आएगा, एफ टू क्या आएगा, टू का स्क्वायर आएगा, एफ थ्री क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर आएगा, एफ फोर क्या आएगा, वन फोर नाइन सिक्सटीन। ये पूरी क्या है, ये क्या है, फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट। ज्यादा मूव कर दो आप, आपकी मर्जी है, और भी समझा रहा है। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और उसकी रेंज जो होती है इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिंस द डोमेन फॉर एवरी सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेंज। वो अपनी रेंज से ही रिप्रेजेंट की जाती है। पॉइंट के लिए यहां तो कोई डाउट है, ये रेंज तक जाएगी ऐसे, ठीक है। एक फाइनाइट होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और फिर फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते। पॉइंट क्लियर है, अब जरा ध्यान से देखो। मैंने लिखा एफ एन इक्वल टू 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 द पावर एन अपॉन एन। तो बेटे ये सीक्वेंस है, बिल्कुल है। अब आप लोग एफ आप समझ गए हो, अब आप एफ नहीं लिखोगे, अब आप टी एन लिख दो, क्योंकि टर्म्स की बात होती है। पॉइंट क्लियर है। तो टी वन क्या आएगा, टू टू द पावर वन अपॉन वन। टी टू क्या आएगा, टू टू द पावर टू अपॉन टू। टी थ्री क्या आएगा, अरे भाई एन की जगह थ्री फुट हो रहा है। टी फोर क्या आएगा, हर एक चीज में आप फंक्शन ही लिख रहे हो, हमें क्या पता इसका जो भी कुछ है वो फंक्शन होगा कि नहीं। तो टी एन लिख दो, वैसे तो सीक्वेंस बन रहा है, इसलिए टू स्क्वायर अपॉन टू। टी थ्री क्या है, टू टू द पावर थ्री अपॉन थ्री। टी फोर है, टू टू द पावर फोर अपॉन फोर। पॉइंट क्लियर है, या ना किसी को डाउट है। तो बेटे हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, कि जरूरी नहीं हम इसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन तभी बोलेंगे जब हमें ये पता लगेगा इसका ग्राफ बना के कि वर्टिकल लाइन इसको कितने पॉइंट पे कट कर रही है। नहीं समझा रहा बेटे, समझा गया तक, वही ठीक है। वैसे मैंने इसको टी एन टी टू टी वन टी टू, ये पूरी जो बन रही है, अब इसको सॉल्व करेंगे टू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे टू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो भाई एट अपॉन थ्री आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिक्सटीन बचेगा। यानी कि क्या है अब जो आ रही है, सीक्वेंस है। ओ यार समझा रहा है, सीक्वेंस समझा रही है, किसी को डाउट है अभी भी, ये सीक्वेंस है। तो अब देखो दूसरा है, टी एन इक्वल टू थ्री प्लस माइनस वन टू द पावर एन अपॉन थ्री टू द पावर एन। बेटे मैंने उसे एफ एन क्यों लिखा था मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया था कि ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस तो ऑब्वियस, सारी सीक्वेंस पॉइंट क्लियर है, ऑब्वियसली पॉइंट क्लियर है। अब देखो बेटे टी एन, इसको पहले मैं टी वन लिखूंगा, टी वन आएगा थ्री प्लस माइनस वन की पावर वन अपॉन थ्री टू द पावर वन, थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, यानी कि टू बाय थ्री। फिर टी टू कितना आएगा बच्चे, माइनस वन का स्क्वायर अपॉन थ्री, यानी कि कितना आ जाएगा, थ्री प्लस वन अपॉन थ्री, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चे, फोर अपॉन थ्री। इसका स्क्वायर नहीं करोगे, सॉरी बेटे, हाँ नाइन। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, समझा रहा है, हाँ जी बोलो बेटे आपका। देखो बेटे यहाँ आपने एन की जगह पे टू पुट कर रहे हो, कोई बात नहीं, एन की जगह क्या पुट किया, टू, तो स्क्वायर हो गया तो वन आ गया, और थ्री का स्क्वायर यहाँ भी होगा क्योंकि एन की जगह टू पुट किया आपने, तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, ये नाइन आएगा, ठीक है। तो टी थ्री निकालेंगे, टी थ्री आप बताओगे, चलो थ्री माइनस वन टू द पावर होल क्यूब अपॉन थ्री टू द पावर, ठीक है, बताओ कितना आएगा, थ्री ऑड पावर माइनस वन, क्योंकि एक बार माइनस वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा प्लस आएगा, फिर एक बार करेगा तो माइनस का हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन टू अपॉन ट्वेंटी सेवन, ये आ गया बेटे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे आगे, ये समझा रहा है, ये हमारे क्या आ गए, टर्म्स आ गए, टर्म्स आ गए। तो जब इन सभी को इकट्ठा लिखोगे तो ये क्या बन गई है, सीक्वेंस, समझा रहा है, आगे ये आएगी आपका पॉइंट क्लियर। एनाटॉमी लिख सकते, एनाटॉमी तो है टीएन ही तो है, ये टीएन गिवन है तो टी वन टी टू निकाल सकते हो आप, ठीक है, या तो कोई डाउट है। अब बात करते हैं सीक्वेंस, समझ आ गया, आप पेपर में क्लियर हो जाएगा सीक्वेंस क्या होती है। अब बात करते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और लोगों को सीक्वेंस ही नहीं पता होता है, ना सीरीज पता होता है, चैप्टर का नाम सीक्वेंस में प्लस या माइनस आ जाता है। कल बच्चों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैंने क्या बेटे पूछा एक क्वेश्चन, वैसे कहते सर मैं ना झूला घूम रहा था, मैंने उससे पूछा कि बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कहते सर ये एंटी क्लॉकवाइज है सर, ऐसे घूम रहा था, मतलब समझा रहा है, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल करेगा वही सक्सेस होगा, जो रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेगा। एक तो ऊपर वाला था, उसका नाम क्या है, इधर से देखो तो हमें लगता है क्लॉकवाइज है, उधर से देखा है वो ये भी सही है वाला, नहीं वो दोनों इकट्ठे खड़े थे उस टाइम पे, अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चे, तो ठीक है, सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपना नजरिया, सीरीज
हाँ, एक गिलास में आधा पानी खाली बोलेगा कोई, आधा भरा है, आधा भरा है, आधा नहीं समझा रहा कोई, ये बोलेगा कि आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली, आपने अपनी सोच है। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, याद करो, एक साउथ अफ्रीका गए थे, जूतों की कंपनी खोलनी थी, बताया था, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम सभी लोग बड़े पॉजिटिव हैं, हम सभी लोग पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव सिटी में तो बारिश हो रही थी आज, क्योंकि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो कभी ये सोच के सोता हो रात को कि हमारा आज आखिरी दिन है, अगले दिन हम नहीं उठेंगे, आप पॉजिटिव तो पॉजिटिव तो है, लोगों लगता है यार लगते हैं सारे पॉजिटिव है, ठीक है, सोचते हैं ऐसा नहीं। मैंने भी नहीं सोचा ऐसे कभी, बस जल्दी जल्दी काम करो, नींद आ गई, सो जाओ, बस पॉजिटिव ही हो, है ना। देखो सीरीज, अब बात अच्छा, करते हाँ, हैं, हम ऐसा नहीं सोचते, हाँ सीरीज, देखो भाई सीक्वेंस तो पता लग गया, कुछ नहीं करना, बाय एडिंग अगर आप उसमें कुछ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई तो नहीं, नो सर, ध्यान रखना, कही कहते हैं हाँ मल्टीप्लाई भी लिख दो सर, क्यों नहीं करते, मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ जाएगा ना, कुछ ऐड करोगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन, याद करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अरे हाँ, प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं वो, उसमें भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, यस सर, इसमें भी यही होता है, तो सीरीज से रिलेटेड है, अब तो आ गया होगा ना, इसमें भी ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं टर्म्स, लो यस सर, है ना, लोगों अभी भी कईयों को हो रहा है ना, हाँ ठीक है, गेट एन एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड, जिसका नाम क्या है, विच इज कॉल्ड सीरीज, जिसका नाम क्या है, सीरीज है, ठीक है, सीरियल नहीं है अभी जो आप लोग देखते थे, नहीं देखते सर, सीरीज सीरीज बन गई, ठीक है सर, देखो बिल्कुल सही बात है, मत देखो, वही तो पसंद नहीं, नाटक रोते नहीं, जब भी चला, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ क्यों, क्या होगा, आप लोग जब जाओगे आईआईटी में तो ज्यादातर बच्चे यूट्यूब ही देखा करेंगे, कोई भी सीरियल चलाते समय सास बहू ही रोती रहती है, और आजकल तो ऐसा हुआ है सिस्टम कि जैसे boot.com है और भी ये कई आए हैं, नहीं समझा, और इसमें क्या होता है, इसमें सस्पेंस ब्रेक भी देखो साथ में, सस्पेंस दो घंटे तक देखो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, कभी वो मर गया फिर उसका बैरूपिया आ गया, A1, A2, A3, AN फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो देखना पड़ता है, है ना, हम ये नहीं कह सकते बंद करो कुछ और चलाओ, ठीक है, ये नहीं देखना, ठीक है, A1, A2, A3, AN यही है ना, अब देखो बच्चे क्या करना होगा, आपको ये दिख रहा है, ये अभी क्या है, अभी तो सीक्वेंस है, और किसी को सीरीज दिख रही है क्या, ये सीक्वेंस, ये क्या है, सीक्वेंस, आप बताओ इसमें टर्म्स कितने हैं, खड़े हो जाओ, एन टर्म्स, एन प्लस वन नहीं बोला, बाइनोमियल, बाइनोमियल ना लगा देना इसमें, बैठो, कितने टर्म्स हैं, बाइनोमियल क्यों नहीं लगा, क्योंकि एन जीरो से स्टार्ट नहीं है, बाइनोमियल में जीरो से स्टार्ट होता था, नेचुरल, आप तो पता लग रहा है सर, आप दिमाग खुल रहे होंगे लोगों के, है ना, हाँ देखो ये सीक्वेंस, ये क्या है, सीक्वेंस, अब अगर मैंने क्या किया, प्लस प्लस का साइन लगा, सीरीज, और ठीक है, ये क्या बन गया, माइनस भी लगा सकते हैं, यस सर, कई परेशान होंगे, माइनस लगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऐसे नहीं हो सकता, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, जैसे अलजेब्रिक वो अल्टरनेट सीरीज होती है, सही है वो भी, सही है, सीरीज तो है ना, ठीक है, सेकंड नंबर, टू प्लस फोर प्लस एट प्लस सिक्सटीन प्लस डॉट डॉट, ये भी क्या है, सीरीज, ठीक है बच्चों, अब एक है जिसका नाम है एपी, नो अच्छा, एपी का बाप, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, बाप बिल्कुल है, तीन बेटियां हैं उसकी, ये सर, दादा है, एपीजीपीएचपी, बेटा पहला एपी, दूसरा एसपी, एपीजीपीएचपी बेटियां हैं, प्रोग्रेशन, ठीक है, समझा रहा है, ठीक है, एपीजीपी तीनों को भाई बहन ले लो, अब तो ठीक है, जीपी बहन है वो दोनों, अभी डाउट आ गया किसी को, ये प्रोग्रेशन के बच्चे हैं, और प्रोग्रेशन किसका बच्चा है, सीरीज का, और पीपी भी रख देते, सीक्वेंस दादा है, पर दादा मान लो, ठीक है आप सही है ना, अरे भाई सीक्वेंस से तो जुड़ के ये बना, कौन से जुड़ के ये बना, उससे जुड़ के आगे, आप बताइए,
देखो भाई आप क्या होता है, आप लोग याद करने के तरीके हैं, आइटम ये थोड़ी ना किसी ने देखना किसको दादा बनाया किसको परदादा बनाया, ठीक है ये समझ देखता हूँ आपको, ठीक है आपका आंसर सही होना चाहिए, आपने दादा इसको नहीं बनाया आपका आंसर गलत है क्या, ऐसा नहीं है बस आंसर टिक सही होना चाहिए आपका है ना, इट इज नॉट नेसेसरी ये जरूरी नहीं है, दैट द टर्म्स हटे जाओ, दैट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो नहीं होता हाँ। मैंने बोला था तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं समझा भाई, कई में तो बिल्कुल बना ही नहीं था कुछ पैटर्न, उसमें तो ऐसा हो ही नहीं रहा था कि टू टू ऐड किया किसी में 1/3 आ गया 8/9 आ गया, एक में हुआ था ऐसा जब मैंने बनाई थी जैसे ये वाली बनाई थी 2/5/8 बन रहा था, इसमें 3/3 ऐड हो रहा है, लो अभी नहीं समझाया इसमें भी बन रही है, हाँ कईयों में नहीं बन रहा है, कईयों में 1/2 मैंने निकाला, ये देखो ये वाले कहाँ बन रहे हैं, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है अब देखो, हाँ कोई बात नहीं सही बात है, 2 के बाद ये देखो 8/3 आता है, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, ऑलवेज फॉलो ए ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे ये जरूरी नहीं है, यहां तक ठीक है, सर्टेन पैटर्न ठीक है, और दे आर डिस्क्राइब्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई जरा ध्यान से, और दे भाई कहीं होगा ना लैंग्वेज ही अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये समझो बड़ा इजी लैंग्वेज है, और दे डिस्क्राइब में दिखाना, और दे डिस्क्राइब बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला, बट एक्सप्लिसिट फार्मूला एक फार्मूले से उसको बना सकते हैं हम, फार्मूला फॉर द एनेटम दो सीक्वेंसेस हु टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, तो इतनी बड़ी कमांड बोलने क्या जरूरत थी मुझे, मैं सीधे लिख देता वो समझाना होगा आपको, वो आपको समझाना पड़ेगा, रुक जाओ यही समझाना होगा आपको, इसलिए तो आपको खड़ा किया हमने, दो सीक्वेंसेस हुज टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, जो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे उसका नाम क्या बोला अभी आपने, प्रोग्रेशन, नहीं समझाया भाई, आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन, चलो एक बच्चा अब ये बताए, रुक जा सीक्वेंस तो आपको पता है, व्हिच टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, अब ये बताओ इसका मतलब, ये मुझे इतना लेंथी लिखने क्या नीड थी, मेरा तो इतने काम चल रहा था, मुझे ये सब बताने क्या था, मैंने बताने क्या जरूरत थी भाई, सीधे रावण को खत्म कर देते हैं, मतलब सीक्वेंस में ये जरूरी नहीं है कि उसका हर एक टर्म आगे आने वाला सेम पैटर्न फॉलो करे, बट प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल सही है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, ऑलवेज बोला है हमेशा, इसका मतलब क्या है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। आ रहा है ठीक है, मतलब कि बाप गलतियां कर भी सकता है नहीं कर सकता है इसका, लेकिन ये नहीं करेगा, इसको उसने सुधार किया, ये परफेक्ट बेटा है, मतलब समझा रहा है, और दे डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द एनाटॉमी टर्म, और उसको हम एक्सप्लिसिट फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं, एनाटॉमी टीएन बना सकते हैं उसका, पॉइंट क्लियर है, जिसका टीएन बन जाए वो क्या है आपका, प्रोग्रेशन, ऐसे बोल सकते हो, दो टीएन तो उसका बनना था, सीक्वेंस का भी बनना था कि नहीं बनना था, ठीक है, दो सीक्वेंस हु टर्म्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, उनको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन, आप देखो बेटे बाप की तो बात हो गई, बेटे की भी कर लेते हैं, बेटी बेटों की, बेटियों की करो भाई, थोड़ा इसमें जीपी बेटी ठीक है ना, एचपी को भाई ले लो, मतलब बेटा ले लो, बेटियां बैठी हैं सर है ना, एक एपी है, एक जीपी है और एक एचपी है, एचपी अभी दिख रहा है सबको, आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश और ये गोरखपुर, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, अब इधर ध्यान दो भाई, गुजरात प्रदेश, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों में फर्क तो होगा, और एक बहन दूसरी बहन की बिल्कुल रिवर्स है, उल्टी, ये बिल्कुल उसकी रिवर्स है, इतने बताना काफी है, नहीं समझाया, यार कोई डाउट है किसी को, ठीक है, और ये 10th क्लास के सिलेबस में, ठीक है, ये 12th में है, ये 11th में है, मैंने वही चैप्टर करा दिया आपको, तो इसमें भी देखो पैटर्न बन रहे 10th 11th 12th प्लस 1, समझ आ गया, देखो अब आप पास, बात हमने किसकी की, एपी की, अच्छा क्या होता है कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि कई बार बच्चों के मुंह से बड़े अच्छे वर्ड्स निकल जाते हैं, कोई काम की चीजें निकल जाती हैं,
होता है ऐसा कि छोटी छोटी बातें अच्छी निकल जाती हैं तो रिकॉर्ड हो जाती हैं आगे जाके काम आती हैं है कि नहीं पॉइंट क्लियर है आगे बहुत काम आती हैं सब चीज़ें की कई बार अभी बहुत अच्छी बातें निकल जाती हैं बाद में जाके पता है ये जो टाइम होता है ये जो एज पीरियड है आप लोगों का इसमें बहुत अच्छे अच्छे थाट्स आते हैं 16 टू आप कह सकते हो 15 16 17 ये एज बहुत अच्छी होती है फिर आगे जाके फिर माइंड कह सकते हो ढक्कन लग जाता है माइंड के डब्बा बन जाता है ठीक है और ढक्कन लग जाता है मीन्स वो नई चीज़ें नहीं सीखते वो अपने आप को ये मान के रखते हैं कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ इंटेलेक्ट बंदा हूँ होता है कि नहीं वो अपनी अपनाइयत से बाहर नहीं आ पाते अपनाइयत समझ रहे हो अपने आप को मान के बैठे हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ईगो ठीक है और वो फिर अपनी अपनाइयत से बाहर नहीं आ पाते हैं और वो छोटे छोटे पॉइंट की डेफिनेशन याद करना नहीं पॉइंट क्लियर है ठीक है अब देखो अब बात करते हैं एक चीज और ओपन माइंडेड जो होते हैं वही सीखते रहते हैं सर ओपन माइंड होना ठीक है अच्छा अभी तक तो सब समझा गया होगा कोई एक बच्चा मुझे तीन चीजें मैंने कराई हैं रिवाइज करा दे जरा अच्छे से मुझे भी मजा आ जाए कि हाँ भाई चलो सीक्वेंस से स्टार्ट करना फिर सीरीज बताना फिर प्रोग्रेशन बताना चलो जो पैटर्न वो फॉलो करें कि नहीं करें पहले आप नहीं आप गलत कर गए चलो आगे बताओ सर उसके बाद प्रोग्रेशन सर उसमें ना पैटर्न फॉलो करता है सर एक डेफिनेट पैटर्न और बस कितने टाइप्स के होते हैं वो हाँ फाइनाइट इनफिनाइट प्रोग्रेशन कितने टाइप्स का एबी जीपी और एचपी आप खड़े बैठो नाइन्थ वाला बताएगा लड़कियों से सीखो कुछ दोबारा से स्टार्ट करो फिर से सबसे पहले आपने बताना सीक्वेंस सर जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करें ये कह रहे हो ठीक है आगे बताओ सीक्वेंस के टाइप बता दो फाइनाइट इनफिनाइट बस है ना आप बता दो आप सीरीज जो प्लस एंड माइनस के किसमें किसमें सीक्वेंस सीक्वेंस ये बोलो बनाना यार सब एक दूसरे रिलेटेड है एक को खा जाओगे तो कैसे बात करनी हाँ जी अब आगे बताओ सीरीज और सीरीज हो गया प्रोग्रेशन जो पैटर्न को फॉलो करें टाइप्स बता दो और एक दूसरे की रिवर्स है एचपी बात है यार बच्चों चलो बता दी आप समझ दो आगे भी बढ़ते हैं ना इन दोनों को आ गया समझ तो आ रहा है न्यू स्टूडेंट है हां ये दोनों न्यू स्टूडेंट है समझ आ रहा है तो बाकी सबको आ रहा है मैं ये मान के चल रहा हूँ ठीक है एपी इसमें कॉमन डिफरेंस है हाँ जी हाँ बिल्कुल एपी जे सीक्वेंस एपी क्या है सीक्वेंस अब एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में कहता नहीं सर ये प्रोग्रेशन है क्या है ये है वो तो प्रोग्रेशन है अरे भाई मैंने दादाजी का नाम ले दिया तो उसका बाप पीछे रह गया नहीं समझा उसी के अंदर आ गया ना वो अरे भाई समझा रहा है ठीक है उसके ग्रैंडफादर का नाम ले रहा हूँ तो फिर उसके फादर का नाम तो आ ही गया ना समझा गया ये पॉइंट हाँ तो ये सब प्रोग्रेस समझा गया एपी जे सीक्वेंस एपी क्या है टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय अ फिक्स्ड नंबर एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए और उस फिक्स्ड नंबर का नाम क्या है कॉमन डिफरेंस कॉमन क्यों बोलते हैं क्योंकि वो सब में कॉमन होता है सेम ही होता है सबका सब समझ आएगा मतलब किसी फिक्स नंबर से या तो उसको इंक्रीज करते चले जाओ या तो उसको जैसे 2 में 5 ऐड किया 7 आया 7 5 ऐड किया 12 आया फिर 5 ऐड किया तो 7 लिंक करते चले जाना फिर और इसका नाम क्या है अर्थमेटिक अर्थमेटिक वैसे मतलब क्या इस वर्ड का कि अर्थमेटिकली अर्थमेटिक का मतलब है प्लस या माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन यही तो अर्थमेटिक ऑपरेशन यही तो होती है ज्योमेट्रिक में आ जाता है मल्टीप्लाई वगैरह मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था मैंने तो उसे ये बताया फिर मुझे थोड़ा डाउट ऑन के यही है ना बता के बैठी चलो आपने ये बोला था हाँ कि प्लस और माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन से याद आया मुझे इसका ये कंप्यूटर एपी जे सीक्वेंस हु टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर अच्छा कुछ बच्चे आज मुझे ये कह रहे थे कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे हमें मिलने के लिए हम जरूर आएंगे ठीक है डेली जब आप लोग हम देखेंगे क्या कर रहे हैं इनका प्लेसमेंट होगा भी हम आज मौज मस्ती किए जा रहे हैं है ना देखेंगे देखो जब अब बिना बताए आ जाएगा ठीक है सही है कि नहीं एपी जे सीक्वेंस हु टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर ठीक है हम कोशिश करेंगे प्रोफेसर ही बन जाएंगे फिर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा है ना मूव करते रहेंगे पीट भी दिया करेंगे
कॉलेज में 0.001% है कि कोई प्रोफेसर किसी को स्लैप करेगा, नहीं क्या बहुत ज्यादा, जब वो अपनी सारी भड़ास मार्कशीट पे निकालते हैं, इसकी उस बच्चे की मार्कशीट पे निकालते हैं, बिल्कुल नहीं पीटते, कोई प्रोफेसर नहीं पीटता, ठीक है। देखो तो एपीजे सीक्वेंस इंटरनेट लगानी होती है तो जो इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है, तो नाम याद नहीं होगा ना, अरे भाई कैसी बातें करते हैं, भूलते नहीं, पता रहता है, 60 ही तो बच्चे हैं, 4 साल रहना उनके साथ, याद हो जाती है 4 साल की ए टू जेड शक्ल याद हो जाती है सब, सेम टीचर रहते हैं हर साल, प्रोफेसर तो सेम रहते हैं, प्रोफेसर चेंज होते रहते हैं, सीएससी के सेकंड ईयर का कोई और पढ़ाएगा, ये तो अलग है बिल्कुल ऑब्वियस, सब्जेक्ट ही सारे अलग होंगे, सारे सब्जेक्ट ही अलग होंगे, नहीं एक जैसे सीएससी का एक टीचर है, जैसे कंप्यूटर में, ना मैं बता देता हूँ आपके प्रोफेसर कितने होंगे एक डिपार्टमेंट में, बच्चे कितने हैं 60 है ना, 20 तो 20 तो अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छे प्रोफेसर बाकी और भी हैं लेकिन पीएचडी लेवल के 20 अच्छे, और एक होगा कंप्यूटर एल्गोरिथम का पूरा पीएचडी किया होगा, एक होगा पूरा इसके ऊपर पीएचडी किए होंगे, जो मान लो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया उसके ऊपर पीएचडी हो गए, और एक होंगे आपके लिनक्स के ऊपर हो गए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो गया, तो वही आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर है ना, और वो भी ज्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से 90% फॉरेन से हैं, मैंने उनके रिज्यूम देखे हुए हैं ज्यादातर। देखो बच्चे एपी क्या है, सीक्वेंस है, वो टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, और सबसे बढ़िया है पढ़ने का तरीका एनपीटीएल, क्या एनपीटीएल, हाँ जो आपने वेबसाइट आईआईटी वाले ही प्रोफेसर्स का नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एनहांस लर्निंग प्रोफेसर ईटीसी, पॉइंट क्लियर है, और रिकॉर्डिंग कर लो तो बार बार रिपीट करके सुनते रहना, बच्चे सोते हैं समय भी उसको लगा के सो जाते हैं, नींद सोना नहीं मतलब लगा के, कहीं भी कोई काम कर रहा होता है तो बाथरूम में भी होता है वॉशरूम में भी होता है, तो क्या करते हैं वहां स्पीकर लगा लेते हैं, समझा रहा है, सुनता सही है, क्यों जाए क्लास में, ठीक है, हाँ नहीं क्लास तो जाओ, देखो एपीजे सीक्वेंस कुछ टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, या तो किसी को डाउट है जल्दी बता दे भाई, कोई डाउट वाला है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसका नाम ही फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म समझ आ गया, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, एक ऐसा टर्म है ए इज द फर्स्ट टर्म, एक ऐसा टर्म है डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो जरा ध्यान से देखो एपी को कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो बच्चों, इधर पहला टर्म कौन है ए, तो जरूरी थोड़ा ना ए प्लस, एक बच्चा खड़ा हो गया क्या, तो आपने कहा कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, यहाँ तो प्लस लगाए जा रहे हो सर, आप डिफरेंस फिर कैसा होगा माइनस साइन होगा, मैंने बस डी के बारे में ये लिखा है कि कॉमन डिफरेंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये प्लस का है कि माइनस का है, इसकी मतलब वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का, पॉइंट क्लियर है, अब इसके बारे में थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी प्लस डी, अरे एक और डी जुड़ गया, लगभग समझ नहीं आ रहा, अरे ये फर्स्ट टर्म था इसमें डी जुड़ गया ना भाई, सेकंड टर्म आ गया, अब इस सेकंड टर्म में एक डी और जुड़ गया तो ये थर्ड टर्म आ गया, अब इस थर्ड टर्म में थर्ड ये है और इसमें एक और जुड़ गया तो ये फोर्थ टर्म आ गया, अब तो समझ आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म आपने बोला किसको ए को, उसके साथ में डी है नहीं है, जीरो डी है ही नहीं, सेकंड टर्म है ए प्लस डी वन डी लिख दे, तीसरी क्या है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म क्या है ए प्लस, खड़े हो जाओ टीएन, बच्चों को पहले पता रहता है हम क्या पूछने वाले हैं, फिर दो तीन सालों से पढ़ रहे हैं, बताओ टीएन क्या है, सर ए प्लस एन माइनस वन डी, बिल्कुल सही जवाब, बैठो टेंथ में पढ़ के आए ना भैया, समझ आ गया, ठीक है, और क्या है, सही है, वो भी करके आया टेंथ क्लास, ठीक है, ठीक है, थोड़ी ना ये देखो भाई, ये बच्चे ए तो यही रहेगा, जब फाइव था या फोर था, जब फोर था या थ्री था, या थ्री था या टू था, या टू था वन था, जब एन होगा तो माइनस वन होगा, अरे वन लेस, तो वही वन लेस, ठीक है, समझा रहा है, कोई डाउट डूट वाला बता देना भाई, हाँ अब तो नहीं मुझे लग रहा है इसमें तो नहीं डाउट होगा किसी को, ये तो ऐसे ही है, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसकी बात की हमने, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, इसमें कई लोग कहते हैं इसका सर कोई दूसरा नाम बताओ, जनरल टर्म बोल दो यार, yes, sir. और कोई नाम बता सकते, लास्ट टर्म मत बोलो,
क्यों ऐसा सर क्या बात हमें सेकंड टर्म बोल दे नहीं नहीं गलत बात है भाई रुक जाओ कोई लास्ट टर्म नहीं बोलेगा सर पीटू मास्टर टी2 टर्म बोल दिया तो लास्ट टर्म बताया जा रहा है टी2 पूछ लिया तो लास्ट टर्म है क्या ये फिर एनथ टर्म है एनथ का मतलब सेकंड टर्म थर्ड टर्म टीथ टर्म मींस फोर्थ टर्म पॉइंट क्लियर है एनथ टर्म मींस फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म दिख रहा है आपको जब हम सब निकालते हैं एन को ही तो हम एल ले लेते हैं ना जब हम सब निकालते हैं तो हम ए एन को ही एल लेते हैं ना तो उस केस में फिर डिफरेंस क्यों आ जाता है क्या फिर उसे हम लास्ट क्यों लेते हैं अरे भाई रुको यार क्या जब इसको एन भी डिनोट कर सकते हैं रुक जाओ मैं ना कहीं और ध्यान था मेरा अब बोलो क्या करें हाँ जब हम सम निकालते हैं तो हम सम की बात बाद में आएगी अभी रुक जाओ एन को एल लेते हैं ना उस हिसाब से हमने थोड़ा वो एन अलग चीज है बता दूंगा कोई नहीं वो लास्ट टाइम ही आता है उसमें लास्ट टाइम ही आता है उसमें क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं अरे भाई वो सीरीज वहां तक खत्म हो गई होती है उसमें खत्म हो गई होती है इसमें है ही नहीं है पता नहीं कहां तक जा रहा है आप लोग इसमें कैसे लास्ट टाइम बोल दोगे इसको पॉइंट क्लियर है ए एन जो होता है वो भी टी एन के बराबर होता है ये भी टी एन के बराबर होगा कि नहीं होगा ए एन अरे भाई ए एन कई कोई ए एन से डिनोट कर देता है इसको कोई टी एन से डिनोट कर देता है आपकी चॉइस है आपने अभी टी एन क्या निकाला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ओ भाई टी एन का नाम है जनरल टर्म ओ भाई ठीक है ए क्या है फर्स्ट टर्म डी क्या है कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को ये नंबर ऑफ टर्म्स है बोलो ना कि एन टर्म है ठीक है ये नंबर ऑफ टर्म्स और ठीक है कितने कितने टर्म्स होने वाले हैं सिक्स सेवन है ना ये बताओ ये डी क्या है कॉमन डिफरेंस है कॉमन क्यों बोला सब में सेम ही आ रहा है ठीक है हाँ कहीं पूछ लेते हैं सर सीडी क्या है ये सीडी बोलता ना मैं इसको सीडी तो कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है ठीक है कॉमन डिफरेंस है क्या ये पूछो पूछो हाँ एन माइनस वन ने यहाँ आप सो रहे थे उस टाइम